भैया और भैया समुद्र के समान था एक वर्णन भैया और भैया बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी हवे हजार फेर वाला शिव जी हवे भैया एवन माता जगदम्बा के महिमा के बखान करके नहीं बता सकी हमने तुच्छ प्राणी का बखान करके बता सको जश्नावती बुद्धि अनुसार बन जात हवे आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा भवानी के पवन चरित्र कथला आज संत समाज के बीच भैया भैया ग्राम धमनी माता जगदम्बा के दरबार में सुना थवन जो कुछ भी हमन से त्रुटि हो जाते भैया भैया संत समाज से क्षमा चाहतन आज हमर कथा प्रसंग में भैया भैया कैना नगेश्वरी की कथा सुना थवन प्रेम से बोला शक्ति माता की जगत जननी भवानी की राजा सुरपत के बधाई एक कठन मेटिए माता अपन बेटी के नाम कैना नगेश्वरी रखे रही सब
राजा सुरपथ में बेटी याद है तुम जवान हो गए भैया हो गए बाढ़ के हवे भैया राजा सुरपथ की बेटी कहना नंदेश्वरी होगा का करे भैया का करा दूंगा प्रेम सबल दुर्गे मैया की आदि शक्ति माता की बाग बगीचा है तुम जावे आज भी बाग बगीचा पहुँचे भैया बाग बगीचा में पहुँच करके गा कहना नगेश्वरी भैया का करेगा प्रेम समल दुर्गे मैया की आदि शक्ति माता की
हवेगा बाग बगीचा पहुंच करके भैया भैया कहना नगर श्री फुल्ला तोड़ तोड़ करके चक्रों में रख के हवे चक्रों में रख करके भैया कहना नगर श्री का आगे का उपाय करे भैया
की जय। क्षमा चाहूंगा मध्यस्थ पार्टी से एक विशेष सूचना, हमारे बीच बहुत खुशी की बात है, जिनका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, वे जसगीत पार्टी, जय महामाया जसगीत पार्टी सोनादा का आगमन हो चुका है। तो श्रोता समाज से मेरा करवद्ध प्रार्थना कि वे अपने यथा स्थान पर ही बैठे रहेंगे और जसगीत गायन का आनंद लेंगे एवं पुण्य के भागीदारी बनेंगे। बोलो नाम दुर्गा माता की जय। जय मामा चालू करो। Yeah.
राम सागर स्नान कर पहुंचे हवे पहुंचे राम सागर की पचरी में बैठ कर के कहना नंगे श्री आगा शेर की मुखारी चबाए भैया अब अपन के 32 दांत जो कहना नंगे श्री मांजे हवे मांजे 32 दांत मांज करके भैया आओ भैया कहना नंगे श्री का होगा आगे का करत है भैया प्रेम सब दुर्गे भैया की आदि शक्ति माता की जय Yeah, baby, said you were
प्यार पेड़ सुस्थिता चरण कमल मां ये प्यारा सा चरण वंदन हवाय बजरंगे मैया की बघेवा सवारी हवाय मोर दुर्गा मैया हो अरे अरे मैया बघेवा सवारी हवाय मोर दुर्गा मैया हो होते Thank you.
माता सुमन्नी लेके मेरे राम देवा थावन ओवा कथा प्रसंग और चला थावन आओ पुत्रवा ओविया कथा प्रसंग हवाए शंकर भोलेनाथ के बिहाव आओ ते एक समय में बात रहगी ओविया का हो फटा बता दी बंद के मैया की सिराली मैया की मन माना गुनाय वदाई जाही माँ चल हर वो मन माना गुनाय वदाई राजा ही माँ चल हर वो वतहा भय का वाला मने मन विचार लगावत हवे कि हरे मोर बेटी सती पार्वती है बिहाव के योग्य हो गए हवे तब कोनो डहर के सगा पहुना हाथी तमर पे अपन बेटी सती पार्वती के बिहाव ले करते आज इस प्रकार के रानी मैना मती राजा हिमांचल रहेगा भैया तो विचार लगात रहते तब वही समय मरा जी हरे हरे का हुआ थोड़ा बता दी क्या भैया की सिरवाली भैया की वही समय मावताई नारा अपन देव लोग लकिंद्र गुलर आज कहाँ पहुँच के हवाई होगा राजा हिमांचल के द्वार में पहुँचे हवाई हाँ तो वह समय में राजा हिमांचल जो हवाई हरे हरे भक्त नारद मुनि देवता क्लब के प्रणाम करे हवाई होगा भक्त नारद मुनि देवता पूछा हवाई होगा हे राजा आज तो मन हटा बुझा सवाई होगा तुम मुला बसा दे उस समय महाराज जी हाँ। राजा हिमांचल के हाथ हवाए कहते है मुनि महाराज हाँ। मोर बेटी सती पार्वती बिहाव के योग्य हो गए हवाए हाँ। तेरे मत
कोनो डहर के सगे पहुना हा नहीं दिखते होगा तो तू हर माना थी हाँ। तो मोर बेटी के हाथ के रेखा देख के बता देता होइया कोनो डहर के सगे पहुना हा वइया हावे होगा फिर हुआ ओए नारे तुमनी देवता जो हवे हाँ। तो सती पार्वती के हाथ के रेखा देखा हवे होइया बता दी का तोरे किस्मत मा बेटी पाती जेकर नाम हवे शंकर भोलेनाथ अच्छा कृपा ओए अच्छे वचन ल कहे हवे नारद मुनि देवता हा होगा देखो अपन देव लोग प्रस्थान हो हवे हाय तना जी ओए एक तो सती पार्वती हा होइया अच्छे वचन ल सुने हवे भैया होगा मन मन आनंद हो गए हवे हाओ देखो अपन महल ल निकल गए हवे होइया मरण बन जंगल में पहुंच के रही होगा तो सती पार्वती काय करत हा बता दी क्या हे मैया की हे सरोले मैया की हे हो भारी तपस्या कर सती पार्वती हा देखो समय में ब्रह्मा देवता जो है प्रसन्न हो जाते हैं उमिया सती पार्वती ने कहा था वे क्या कहते हैं बेटी हां तय अपन आंखें खोल ले उमिया अब तो तपस्या पूर्ण हो है कहा था वे होगा आज देखो सती पार्वती जो है भैया आओ ब्रह्मदेव के प्रणाम करे हवे होइया ब्रह्मा देवता कहा था वे का कहते हे बेटी हां अब पर मनो कामना पूरा हो गए हवे अरे अरे तई संकोच अपन महल में फिर जा हां जनक के मन में ठानदा रे हवे होइया छतुरपति होही कहा था वे हां करवा ओए आज देखो अत का वचन ल सुने हवे होगा सती पार्वती जो हवे हां अपन महल में फिरे हवे होइया तो उस समय में ब्रह्मा देवता काय करे हवे जा बता दी ये मियां की जय हो श्रीराम मियां की जय हो पूरन कुलावदाई नारद मुनि न करथवै तवना उपाय होमा मैया करथवै तवना उपाय होमा I got it.
समयमा भैया औगा देखत ब्रह्मा देवता जो हवै औ नारद मुनि देवता ल बलाय हवै औ भैया त नारद मुनि देवता जो है पहुंचे हवै औ तो उस समयमा ब्रह्मा देवता कहत हवै कहते कि है नारद मुनि औ चल हमन गिरी कैलाश जब शंकर भोलेनाथ में औ भैया और शंकर भोलेनाथ ला औगा सती पार्वती से हाँ करे बर हमन मनाबो ऐसे प्रकार के सलाह हो है दोनों देवता क्या हुआ था का बस गए मैया की अरेंगे ना लरेंगे अरेंगे ना लरेंगे दाई दोनों तो देवता मनो गिर कैलाश चली जाहुमा मैया गिर कैलाश चली जाहुमा नारद मुनि देव हाँ गिरी कैलाश पहुंच गए शंकर भोलेनाथ मेरा होगा तो शंकर भोलेनाथ ने कहा था वही क्या कहते कि है भोलेनाथ हाँ तू राजा हिमांचल के बेटी सती पार्वती संग विवाह कर ले वाओ तो भैया तो ये हमारे देवता कुल का उद्धार हो जाती होगा रागी ओए ये तो शंकर भोलेनाथ जो हवाई तो भैया मैं शादी बिहा नहीं करो मैं जिंदगी भर बैरागी रही हूँ ऐसे प्रकार के कहा था वही तो भैया तो आज ब्रह्मा देवता नारद मुनि देवता जो है कृष्ण करके शंकर भोलेनाथ दास शादी करे बतायार करवाए हवे आज भोलेनाथ अभी हाव करे ब मान ले हवे रागी उस समय में देख तो नारद मुनि देवता गाय करे हवे हवे मैया की Thank you.
को मार मार के जब मुझाए रखे बराती मन आज तो वो समय वाला की बराती मन खाए करत हो क्या बता दी क्या घर के ना चलते तो बंद के मिया की असंग कर चौड़ा रे महामारी कर रे नाचत कूदत हवे तो उस समय में भैया वित्त पर ध्यान काय कहत है का बता दी क्या भैया की भोला के मजा लते कहां पर भैया का भोला के मजा लते सती पार्वती के कैसे प्रकार के बिहा होत हवे उस समय में जब शंकर भोलेनाथ सती पार्वती के भावन के समय होते तो देख तो भैया शंकर भोलेनाथ सती पार्वती कैसे प्रकार के भावन में होत हवे का फिर
प्रेम से बोल दुर्गे मैया की जय माता के शोकी जय आइए के भावर पड़ी गे जोरदार बोली बजाइए जोरदार चार भावर पड़ गए आज चार भावर पड़ गए आज भावन तो कई भावर लेवा था इधर असल भावर पर के मसूम शंकर भोला के हो की शंकर भोला के दूला रुके हो या होता है ओ मरिया मोह दूला रुके हो या होता है अद्भुत सुंदर प्रकार के शंकर भोलेनाथ सती पार्वती है भैया विष्णु अग्नि के साथ फेरा लपूर्ण करे हवा तब करवा उस समय मजा दत्त जब तिकावन के समय आए हवा तो दत्त भैया किस प्रकार के तिकावन हो खाएगा बता दे मैया की कोने तोरे पी गए कोने तोरे पी गए हो नोनिया के हर पत है आया के हर पत है कोने तोरे पी गए भेनुगा जोरदार जोरदार मुनिया के हर पत हर हायत हर पत हर मामा तोर की कह दे मामा तोर की कह दे माता पिता की कहे माता पिता की कहे हो मुनिया के हर पत हर हायत हर पत हर मामा तोरे की कह दे मामा तोरे की कह दे पार्वती होगा एक
दूसर के गला में वर माला लगा ले हवाए आज देख तो पूरा विधि विधान के साथ माँ आज शंकर भोलेनाथ सिद्धि पार्वती के बिहाव पूर्ण हो हवाए तो उस समय माँ तो राजा हिमाचल महीना मती रानी भैया अपन बेटी का दमाद तो कैसे विदा करत होगा भैया की जा दुलौरी न बेटी जा सोनादा बहुत ही सुंदर समाज को कृतार्थ किए और समिति के निर्णय अनुसार मां I
श्रीमान राकेश गुरु जी की ओर से 51 रुपए एवं हमारे समिति के सदस्य श्रीमान कल्याण महन जी की ओर से 21 रुपए से सादर समर्पित इन सभी दानदाताओं को माँ भगवती सदैव अपनी अचरक के छीना में रखे रहे और उनकी हर मंशा हर मनोकामना को पूर्ण करे। इसके साथ एक बार फिर से बोले दुर्गा माता की जय। मंचस्थ पार्टी के पुरस्कार की राशि को देने के लिए मैं पुनः जय माँ दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष परमदानीय बड़े भैया यशपाल साहू गोडिया जी को अवगत करता हूँ कि वे मंचस्थ पार्टी को पुरस्कार देंगे। बोले माँ दुर्गा माता की जय। एक बार जोरदार ताली बजाए। बोले दुर्गा माता की जय। मंचस्थ पार्टी पश्चात जय ठाकुर देव।